बेटा तकलीफ तो नहीं हुई ना बेटा? नहीं माँ, बस बाजार में थोड़ी देर हो गई। अब ये सब सामान थाल में सजा दीजिए। मैंने सोचा मैं सब कुछ अपने आप कर लेता हूँ। आज से तुम मेरे कमरे में नहीं सोगी। हेलो दीदी, आप पहुंच गए ठीक से? हाँ हाँ, आप आराम से पहुंच गए थे। हम आपने फोन भी नहीं किया। मैं बस करने ही वाली थी। लीजिए माँ से बात करिए। लता जी, माँ सब ठीक है ना बेटा? हाँ माँ सब ठीक है। ये सारे रास्ते मुझसे माफी मांगते आए कि मुझे रस्मों के वक्त ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। शायद पिताजी का दिल दुखा दिया मैंने। मैंने भी कह दिया कि पिताजी का दिल बहुत बड़ा है, वो समझ जाएंगे कि आपको आने की जल्दी थी। जरा हमारी बात करवा देना समरजीत से। वो सो चुके हैं माँ, बहुत थक गए थे ना। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कल फोन कर लेंगे। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। कुछ चाहिए पिताजी? हाँ बेटा, ब्रिज से कहो कि हमारी दाढ़ी बनाने के लिए किसी अच्छे हजाम को बुलवाए। जी मालिक, अभी बुला के लाए। दीदी, हजामत करने वाला घर आने के 20-30 रुपए मांग लेगा। अरे ब्रिज, जा कर रहे हो बाजार? तो आते समय 1 किलो चावल लेते हैं। पैसे हैं ना, या दे दूं? नहीं मामी, हम दे देते हैं ना। अच्छा, अरे बाप रे, अभी से रसोई घर में जाऊंगी तो दोपहर का खाना बनेगा। कृष्णा अखबार लाओ। कृष्णा, ये लीजिए। मैंने
मैंने तुम्हें नहीं कृष्णा को बुलाया। मैम आपको सर बुला रहे। पापा वहीं बैठने देते ना तस्वीर को, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? I mean, she's just an employee. Why not, कनिका? Employees क्या मालिक के बराबर नहीं बैठ सकते? हाँ? भैया वो मालिक की बराबरी नहीं कर सकते। नमस्ते। यह हमारी ऑफिस की नई असिस्टेंट है, पहली बार कोई ऑफिस ज्वाइन किया है शायद। हमारे प्रोफेशन में बड़े बड़े शहरों के क्लाइंट्स हमें डील करना पड़ता, इसे जरा मॉडर्न तौर तरीके सिखा देना। जी पापा। तुम इसे ग्रूम करोगी? मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। विमल अब तुम आ गए हो तो ऑफिस में बैठा करो। पर पापा मैं आपके ऑफिस में बैठकर मैं क्या करूँ? ना बैठकर भी क्या करोगे, खाली बैठोगे? खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ऑफिस में जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? इसे जरा मॉडर्न तौर तरीके सिखा दे। तुम इसे ग्रूम करोगी? आइए दादी, ये है तस्वीर, पापा की नई पर्सनल असिस्टेंट। खुश रहो बेटा। पापा ने आपको सबसे मिला दिया था ना, बस दादी मां रह गई थी तो मैं मिलाने ले आया। अरे तस्वीर जी, आपने हमारा ये घर, मेरा मतलब ये स्वर्ण भवन देखा है? जी? नहीं देखा ना, मुझे पता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। अरे इतना सोचिए मत, ये भी ड्यूटी है ना दादी मां? बोलिए ना। चलो बेटा आइए। देखिए ये है स्वर्ण भवन। वैसे सच कहूं ना तो इस स्वर्ण भवन में देखने लायक कुछ भी नहीं। जैसे पहले राजा महाराजाओं के बड़े से अनबिलीवेबल से घर हुआ करते थे ना, बस वैसा ही एक बड़ा सा घर है। पहले ठाकुर उदय प्रताप सिंह का हुआ करता था, अब हमारा है। अब ये देखिए, इन खामोश दीवारों को देखना कितना बोरिंग है मैं आपको बता नहीं सकता। I mean, किसी ने अपनी अमीरी का दिखावा कर दिया।
अब उससे एक गरीब को क्या लेना देना है ना? सही कह रहा हूं ना जी? पता नहीं। वैसे ताजमहल भी खामोश दीवारों का एक मकबरा ही है, लेकिन उसमें एक प्रेम कहानी छुपी हुई है। यहां भी कोई प्रेम कहानी हो सकती है अगर आप चाहें। मेरा मतलब है कि अगर आप चाहें कि मैं आपको उस प्रेम कहानी के बारे में कुछ सुनाऊं, तो वो मैं नहीं कर सकता। मुझे कुछ पता नहीं है ना उस कहानी के बारे में। आभा ऊपर न जा, अभी अभी बना है फर्श, गीला है। ये देख, किसी बच्चे ने थोड़ा खराब कर दिया, अब हमें पूरा फर्श ठीक कराना पड़ेगा। खैर छोड़िए, आपको अपना कमरा दिखा था। ये है मेरा रूम, कल ही रेनोवेशन पूरा हुआ है। वेलकम, ये है मेरा कमरा। कितने सपने देखे इसमें, कितने किस्मत छूटी जाए, आंख भी आंसू रोक न पाए। किसने खुशियां ले ली, यहां मैं घर घर खेली, यहां मैं घर घर खेली। हमारा कमरा कितना बदल गया है, परते, दीवारें, खुशबू सब अजनबी से हो गए। इतना अच्छा लगा? आइए आपको पापा का रूम दिखाऊं। क्या कर रहे हैं आप? कुछ लिखने की कोशिश। अपने दिलो दिमाग पर ज्यादा बोझ मत डालिए, आराम जरूरी है आपको। नहीं, अब ठीक है। हम इसीलिए हमने सोचा है कि हम स्वर्ण भवन का इतिहास लिखेंगे। अब देखिएगा चंद्रप्रभा, सारी दुनिया पढ़ेगी इसे, ये किताब खूब बिकेगी, बड़े बड़े
इनाम मिलेंगे इसे, नोबेल प्राइज जैसे इनाम, और उस सारे पैसे से हम पाएंगे, हम जरूर वापस पाएंगे अपने पुरखों की धरोहर। आपकी और हमारी वो तस्वीर कहाँ है जो हमने सबसे पहले खिंचवाई थी? श्याम जी सर, ये क्या कचरा पड़ा हुआ है अभी तक, उठवाओ ना इसे। जी सर। आपने आपको इसे ऐसे फेंकने का कोई हक नहीं। I'm sorry, आपको बुरा लगा तो, लेकिन पुराने मालिक इसे छोड़ गए थे, मैं रख के क्या करता, इसीलिए फेंक दी। अच्छा आप मेरी जगह होती तो क्या करती? हम ठाकुर साहब के घर जाकर इसे देकर आते। आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? अच्छा अच्छा नाराज मत होइए, लाइए दीजिए, मैं ठाकुर साहब के घर जाकर इसे दे आऊंगा, ठीक है भाई? नहीं आप उनके घर नहीं जाएंगे, आप उनकी बेइज्जती कर चुके हैं इस तस्वीर को यहाँ फेंक कर। हम खुद जाकर उन्हें लेकर आएंगे। आइए आपको पापा का रूम दिखाऊं। अरे ओ ब्रिज बिहारी, कहाँ जा रहा है? ठाकुर साहब के लिए चाय बनाने। ये तुम्हारे ठाकुर साहब को खाने पीने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? चाय बनाने चला है। अरे मेरे यहाँ के भैंस बांधी है जो मुफ्त का दूध आ जाएगा, वो तो सठिया गए हैं। तू तो अकल से काम ले। ब्रिज, हमने तुम्हें चाय के लिए कहा था। ज्यादा चाय पीना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप अभी अभी बीमारी से उठे हैं, हम तो कहते हैं आप चाय से परहेज कीजिए। आ गई स्वर्णाभा। जी पिताजी। ये क्या लाई हो? जी कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही। दिखाओ तो। दिखाओ तो। We'll be right back.
तस्वीर, ये तस्वीर तो आज हम ढूंढ रहे थे। ये कहां से लाई तुम तो?